गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। अब वो भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गाय बकरी भेड़ भी वह भूख की शिद्दत में खा गया। तब उसके डर से वहाँ कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह घोड़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाए आंखों से घूरने लगा। घोड़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं थी, उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। यह सोचकर वह लुहार के पास चला गया। इधर घोड़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के देवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेप कर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़ कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहाँ तेरे लिए एक तंदरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियाँ चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़े की बेटी उससे छुटका मिलते ही घबरा कर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया वो उनके पास नहीं जाएगी। वो यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खौफ के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतनी देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा और बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वह सामने एक बड़े बरगद के दरख्त के तने से चिपट गई और रो रो कर मजबूरन दरख्त से दरख्वास्त करने लगी, ऐ दरख्त तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। यह सुनते ही दरख्त सचमुच फट गया और वो उसके अंदर चली गई और दरख्त बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वो दातुन के लिए एक शाख काटने लगा कि उसके कानों में ये आवाज आए, राजकुमार धीरे काट कहीं मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक काट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। यह सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वो दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला आया। वो रात भर उसी जादुई दरख्त के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां हो रही थी। ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वो उसी दरख्त से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था। उसकी नजर में शादी की अहमियत बेटे की जिंदगी से कम ही थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरख्त के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई। राजकुमार ने उस दरख्त को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़े की बेटी रात गए दरख्त से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस दरख्त के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी के ये सब काम देखे।
दूसरे दिन जब घोड़े की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगाकर भस्म कर दिया। घोड़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आह तुमने यह क्या किया। इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरख्त के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो। और फिर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी न सकूंगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे।